जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो को पूरी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरा एंशियंट हिस्ट्री वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक, आज की क्लास में हमको महाजनपद काल और जो प्राचीन भारत वंश थे उनके बारे में जानकारी जो है वो लेनी है। पिछली क्लासेस में हमने क्या था कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यहां तक की जो चीजें थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं महाजनपद काल और जो प्राचीन भारत के जो प्रमुख जो राजवंश थे उनके बारे में। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में जो हमको स्रोत हैं वो मिलते हैं जो कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ से। ठीक, जैसे भगवती सूत्र है, यहां से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। महावस्तु ये बौद्ध ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय ये भी बौद्ध ग्रंथ है, जहां से जानकारी मिलती है। ठीक, अब जब हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल तो वहां पे जो इकाई थी प्रशासन की वो जन थी। ठीक है, और जन पे जो राज करते थे उनको बोला जाता था राजा, ठीक है, या फिर गोप, ठीक है, ये बोला जाता था। और जन से फिर मिलकर क्या बनता है, जनपद का निर्माण होता है, और जनपद से मिलके महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक, तो महाजनपद का जब निर्माण हो जाता है तो वहां से समय को क्या बोलते हैं, भारत में महाजनपद काल के रूप में वो जाना जाता है। ठीक, तो महाजनपद जो थे उनकी जो संख्या थी वो 16 थी। ठीक है, संख्या 16 थी। ठीक, मतलब कुल मिला के 16 महाजनपद जो है वो प्राचीन समय में भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें से जो प्रमुख थे उसमें मगध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब सबसे शक्तिशाली था। ठीक, उसके बाद शक्तिशाली में कोसल, वत्स और अवंती भी थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन सा था, मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसमें आता था। ठीक है, और जो लिच्छवी और वैशाली थे, लिच्छवी और वैशाली विश्व के प्रथम गणतंत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं महाजनपदों के बारे में। ठीक, अब यहां पे सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है, मगध। ठीक, अब मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि ये गंगा और यमुना के दोआब में था। ठीक, गंगा यमुना के दोआब में कौन सा स्थित था, मगध। अब यहां पे क्या था, गंगा दोआब जो क्षेत्र होता है नदियों का, वहां पे जो कृषि है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो जब कृषि अच्छी होती है तो उसमें कृषि अधिशेष भी होता है। तो यहाँ पे जब कृषि अधिशेष शुरू हुआ तब यहाँ इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी होती चली गई। ठीक, तो अच्छी होती चली गई, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, इसका वर्चस्व जो है वो बढ़ता गया। तो मगध ने क्या हुआ, अपने आसपास के जो और थे जनपद थे उनको लड़ा, मतलब युद्ध के द्वारा या फिर वैवाहिक नीति के द्वारा अपने उस अंदर मिला लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका जो प्राचीन राजवंश थे। ठीक, तो प्राचीन राजवंश में सबसे पहला जो राजवंश आता है वो आता है हरियक वंश का। ठीक, हरियक वंश जो था वो मगध महाजनपद में पहला क्या था, पहला कौन सा है, हरियक वंश। ठीक, हरियक वंश। ठीक है, तो हरियक वंश महाजनपद काल में सबसे, मगध का सबसे पहला जो शासक था वो हरियक वंश का था, जिसका नाम क्या था, बिंबसार। ठीक है, इसके जो मतलब संस्थापक, पहले इसका समय देखते हैं तो इसका समय आता है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये इतने टाइम तक जो था वो राज्य शासन जो है वो मगध पर किया था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि बहुत सारे जो थे वो शासक आते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे शासक में जो आते हैं उसमें क्या था,
कि जो सबसे पहला आता है वो है बिंबसार, ठीक है। एक बिंबसार है और एक बिंदुसार है, ठीक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बिंबिसार हैं, ठीक। बिंबिसार जो थे वो इसके क्या होते हैं, संस्थापक, ठीक। क्या थे, संस्थापक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, बिंबसार, ठीक है। तो बिंबसार जो थे इनको ये उपाधि जो थी इनकी, ये उपाधि थी इनकी श्रेणिक की, ठीक है। श्रेणिक की उपाधि इनको मिली थी, ठीक। तो इनके आसपास बहुत सारे क्या थे, राजवंश थे छोटे छोटे। तो वहां से क्या किया इन्होंने, वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, तो देखिए अगर राज्य का विस्तार करना है तो दो नीति होती है, ठीक। एक होती है युद्ध की नीति और दूसरी होती है विवाह की नीति। तो बिंबिसार ने क्या किया था, विवाह नीति से, ठीक है, जो विवाह नीति थी वहां से अपने राज्य का विस्तार किया था, ठीक। विवाह नीति से राज्य का विस्तार इसने किया, ठीक। तो वहां से फिर धीरे धीरे चीजें जो है वो आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो अब एक चिकित्सक थे, ठीक, जिनका नाम था बीजक, ठीक। क्या नाम था इनका, बीजक, ठीक। ये क्या थे, राजकीय वैद्य थे इसके दरबार में, ठीक है, राजकीय वैद्य, ठीक। और यहाँ पे जो काशी महाजनपद था, ठीक है, काशी महाजनपद इनको क्या मिला था, दहेज में प्राप्त हुआ था, ठीक। तो ये आदमी था, तो इसने जो शासन किया वो 544 में स्थापित किया इसने हर्यक वंश को, और 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका पुत्र था, ठीक, जिसका क्या नाम था, अजात शत्रु, ठीक है। मतलब बिंबिसार का जो पुत्र था, ठीक, तो पहला शासक तो कौन हो गया, बिंबिसार। दूसरा आप कौन आ जाएगा, अजात शत्रु, ठीक। अब बिंबिसार का जो शासन था वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था, ठीक। अब अजात शत्रु आ जाता है, तो अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक। मतलब इसने क्या किया, बिंबसार की हत्या कर दी, ठीक, किसमें, राज्य की लालच में। आई बात समझ, कुर्सी का जो, कुर्सी की लालच होती है वो इंसान को यहां तक अंधा करती है कि वो क्या कर सकता है, अपने पिता तक की हत्या कर सकता है, ठीक। अब जब इसने इसकी हत्या कर दी तो इसके लिए इसको क्या बोला गया, पितृहंता, ठीक है, क्या बोला गया, पितृहंता, ठीक है, मतलब पिता को मारने वाला, ठीक है। ये हो गई चीजें। और इसने जो शासन किया था वो 492 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक। तो सॉरी 460 ईसा पूर्व तक, ठीक, 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर इसने युद्ध लड़े थे और युद्ध में दो जो थे वो क्या बोलते हैं, दो प्रकार के जो अस्त्र होते हैं, ठीक, उनका जो प्रयोग किया था वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहला नाम है रथ मूसल, ठीक है, और दूसरा है महाशिला कंटक, ठीक। ये दो प्रकार के जो थे वो प्रयोग किए थे, ठीक है। तो जो ये महाशिला कंटक था, ये शिला मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो महल होते थे उनकी जो दीवारें होती थी वो भारी पत्थरों से बनी होती थी, ऊंचाई पर होती थी। तो जब चढ़ाई या फिर युद्ध जब होता था तो उन दीवारों को जो है वो पार करना सबसे बड़ी चुनौती होती थी, ठीक है। तो क्या होता था इसका प्रयोग, इसका प्रयोग होता था जो किले की दीवारें थी, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, ठीक, किले
किले की दीवार तोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता था। इसी प्रकार रथ मूसल था, तो ये रथ में लगा हुआ था। बाहुबली में जो कौन था, वो भल्लाल देव, उसका रथ सबने देखा था, ठीक। उसमें क्या था, आगे एक क्या कटर लगा हुआ था, जो मतलब क्या, जिसमें धार होती थी और वो घूमते घूमते क्या होता था, काटता था, ठीक। तो रथ मूसल को वहीं से आप समझ सकते हैं कि रथ पे जो है वो अस्त्र लगा हुआ होता था, ठीक। और क्या किया जाता था, वहां से वो मारता रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके शासन काल में चीज हुई है वो है प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। ये कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी, ठीक है। और ये हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी राजगीर में, ठीक, राजगीर या फिर राजगृह, ये स्थान का नाम है। यहां पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज जो थी, इसने जो है वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक। तो धीरे धीरे क्या है कि जो राजवंश थे वो धीरे धीरे प्रकाश में आना शुरू हो गए, ठीक। अब इसके बाद जो है, इसके पुत्र का जो वर्णन आता है, इसके पुत्र का नाम था उदयन, ठीक। क्या नाम था, उदयन, ठीक है। अब जैसे को तैसा हुआ, अजात शत्रु ने राजपाट के लिए, सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब सेम टू सेम इसके साथ भी हुआ, उदयन ने क्या किया, हत्या कर दी किसकी, अजात शत्रु की, ठीक, अजात शत्रु की हत्या कर दी किसने, उदयन ने, ठीक है। कब कर दी, 460 ईसा पूर्व में, और उसके बाद ये 444 ईसा पूर्व तक जो है वो राजा बना रहा, ठीक। तो यहां से जो चीजें आती हैं सामने वहां पे, तो इसके बारे में चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या था, बिंबसार राजा बना, फिर बिंबसार को मार दिया अजात शत्रु ने, अजात शत्रु राजा बना, अब कुछ टाइम बाद अजात शत्रु को मार दिया उदयन ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें थी इसमें, इसको इसीलिए मतलब एक ने अपने पिता को मारा, फिर दूसरे ने अपने पिता को मारा, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये पितृहंता, जो पितृहंता वंश इसको बोला जाता है, ठीक है, पितृहंता वंश, ठीक। अब इसके बाद जो था, इसमें जो शासक आते गए वो धीरे धीरे क्या था, कमजोर होते गए, ठीक है। तो इसके बाद जो अंतिम शासक इसमें था, ठीक, अंतिम शासक था नाग दशक, ठीक है, नाग दशक जो है वो अंतिम शासक इसमें था, ठीक। अब नाग दशक अंतिम शासक था, इसका एक सेनापति था, ठीक है, सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाग, ठीक है, सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाग, जिसने क्या कर दी थी, नाग दशक की हत्या कर दी थी, ठीक है, बाद में। और उसके बाद किसका स्थापना किया, उसने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो आज के इतिहास के क्लास में यहीं तक रखते हैं, आगे हम यहां से फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ जाएगा, ठीक। और बौद्ध और जैन धर्म के बाद फिर आगे जो है वो फिर आपका मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, और फिर धीरे धीरे प्राचीन इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।